ईट टू प्लीज योर सेल्फ, ड्रेस टू प्लीज अदर्स, अर्थात खाना ऐसा खाओ, भोजन ऐसा करो जो खुद को प्रसन्नता दे, और कपड़े ऐसे पहनो जो दूसरों को प्रसन्नता दे। मैं एस के मिश्रा शार्क करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैंने शब्द लिया है पास, पी ए डबल एस, और इसके कई अर्थ हैं, सात अर्थ तो मैंने ये एक साथ दिए, और भी अन्य अर्थ भी दिए हैं। देखें, पास पहला अर्थ गुजरना, ये सभी जानते। द स्ट्रीट वाज सो क्राउडेड, इतनी स्ट्रीट यानी सड़क इतनी क्राउडेड थी, भीड़ से भरी हुई थी, क्राउड माने भीड़, भीड़ से इतनी भरी हुई थी, दैट द ट्रैफिक वाज अनेबल टू पास, कि ट्रैफिक जो था वो पास नहीं हो रहा था, ट्रैफिक पास होने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। दूसरा अर्थ है पार करना, पास द शॉप, पार करना, शॉप को पार करो, यानी दुकान को पार करते ही, कोई रास्ता बता रहा है, दुकान को पार करते ही आपको आपका स्कूल मिल जाएगा। पास द शॉप एंड यू विल बी इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, तुम जैसे ही दुकान के पार जाओगे, दुकान पार करो बस, और तभी सामने तुम्हें तुम्हारा स्कूल दिखाई देगा। पास द शॉप एंड यू विल बी इन फ्रंट ऑफ द ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के सामने होंगे। उत्तराधिकार में पाना, माँ बाप से जो मिलता है उत्तराधिकार में पाना, चेहरा मोहरा संपत्ति सभी कुछ, आवाज वगैरह सब इनहेरिटेंस से प्राप्त होती है, उत्तराधिकार में पाना। आई हैव इनहेरिटेड माई नेचर, मैंने अपनी नेचर किससे प्राप्त की है, इनहेरिटेड करना यानी उत्तराधिकार में प्राप्त करना। माई नेचर एज इट पास्ड फ्रॉम माई फादर टू मी, मैंने अपनी जो नेचर प्राप्त की है, प्रकृति जो प्राप्त की है, वो मेरी प्रकृति अपने पिताजी पे गई है, यानी पिताजी से प्राप्त की है, पिताजी से नेचर मुझ में आई है। आई हैव इनहेरिटेड माई नेचर एज इट पास्ड फ्रॉम माई फादर टू मी, मेरी जो नेचर है प्रकृति है वो पिताजी से मुझ में आई है, जैसे गुस्से की है, हंसमुख होना, ये सब जो नेचर है प्रकृति है हमारी, स्वभाव जो है वो भी कुछ बहुत कुछ पेरेंट्स से प्राप्त होता है। उत्तीर्ण होना, आई डोंट नो मैथमेटिक्स बट आई हैव टू पास माई एग्जाम, मुझे मैथमेटिक्स यानी गणित ज्यादा नहीं आती, आई डोंट नो मैथमेटिक्स, ज्यादा गणित मुझे आती नहीं है, बट आई हैव टू पास माई एग्जाम, लेकिन मुझे तो बस इम्तिहान पास करना है, बस और कुछ नहीं है, मुझे मैथमेटिक्स ज्यादा गणित आती नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है, बस एग्जाम पास करना है, इतना ही करना है। एग्जाम मीन्स इम्तिहान। मंजूर होना, द बिल शुड बी पास्ड इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में ये बिल पास हो जाना चाहिए, द बिल शुड बी पास्ड इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में संसद में ये बिल पास हो जाना चाहिए। सहन करना इसका छठा अर्थ है, आई पास्ड रिमार्क्स विदाउट कमेंट, मैं सहन कर गया उसकी टिप्पणियों को, जो मेरे ऊपर वो बुरी बुरी टिप्पणियां करता है वो मैं सब सहन कर गया, आई पास्ड रिमार्क्स विदाउट कमेंट, और मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। देखें अगला, दर्रा भी इसका अर्थ होता है, रोहतांग दर्रा है एक, तो वी क्रॉस्ड रोहतांग पास, हमने रोहतांग दर्रा पास किया यानी उससे गुजर गए, रोहतांग दर्रे से गुजर गए, उसे क्रॉस किया, पार किया। पास ऑन अगला शब्द है, पास से बना हुआ, और पास ऑन माने होता है हस्तांतरित करना। रीड एंड पास ऑन द न्यूज़पेपर, आपने ट्रेन में देखा होगा कि लोग या बस में भी लोग अखबार पढ़ते हैं और अखबार पढ़ करके दूसरे को दे देते हैं, खरीदते नहीं है सब लोग, एक से दूसरे को, दूसरे से जब पढ़ लेगा तो वो तीसरे को दे देगा, इस तरह से कभी कभी एक एक पेज बांट लेते हैं कि एक पेज तुम पढ़ लो भाई, एक पेज तुम पढ़ लो, तो इस तरीके से सबका काम चल जाता है। रीड पढ़ो एंड पास ऑन
और हस्तांतरित कर दो, यानी दूसरे को दे दो। पास ऑन द न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ो और दूसरे को पास ऑन कर दो, यानी दूसरे को हस्तांतरित कर दो, दे दो। देखें पॉसिबल, पॉसिबल का अर्थ क्या होता है? पारणीय, पारणीय का साधारण शब्दों में जिसके पार उतरा जा सके, पारणीय जिसके पार उतरा जा सके। द रिवर इज नॉट पॉसिबल, रिवर के यानी रिवर मीन्स नदी, नदी के पार नहीं जाया जा सकता है, नहीं उतरा जा सकता, पारणीय नहीं है नदी, ये पारणीय नहीं है, बहुत पानी है इसमें। द रिवर इज नॉट पॉसिबल। अब देखें काम चलाओ, काम चलाने लायक। ही इज एन एवरेज स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट यानी औसत बुद्धि का लड़का है, औसत लड़का है, औसत विद्यार्थी है। ही इज एन एवरेज स्टूडेंट, वो एक औसत विद्यार्थी है। बट स्टिल पॉसिबल, पास हो जाएगा बस, काम चलाऊ है, काम चलाऊ ढंग से, पास होने लायक है, पॉसिबल पास होने लायक। ही इज एन एवरेज, औसत, औसत बुद्धि का लड़का है, औसत विद्यार्थी है। बट स्टिल पॉसिबल, लेकिन पास हो जाएगा, पास होने लायक है। पॉसिबली, पॉसिबली काम चलाऊ ढंग से, पास होने लायक। ही परफॉर्म्ड पॉसिबली वेल इन एग्जाम्स, यानी पास होने लायक उसने परफॉर्मेंस इम्तहान में दे दी, इम्तहान में इतना करके आया वो कि पास आराम से हो जाएगा, ये मतलब है। ही परफॉर्म्ड पॉसिबली वेल इन एग्जाम्स, आराम से पास हो जाएगा, ना आया फर्स्ट, पास तो हो ही जाएगा। ही परफॉर्म्ड पॉसिबली वेल इन एग्जाम्स, इम्तहानों में उसने इतना काम कर दिया कि वो आराम से पास हो जाएगा, काम चलाओ वाला काम कर आया। पासिंग, पासिंग माने दो अर्थ दिए मैंने इसके, पासिंग पहला अर्थ गुजरने वाला। आई वॉच्ड द पासिंग प्रोसेशन, प्रोसेशन माने जुलूस होता है, तो आई वॉच्ड मैंने देखा द पासिंग प्रोसेशन, यानी जुलूस पास होता रहा, गुजरता रहा और मैं उसे देखता रहा। आई वॉच्ड द पासिंग प्रोसेशन, मैं गुजरते हुए जुलूस को देखता रहा। क्षणिक भी इसका अर्थ होता है, थोड़ी देर में समाप्त होने वाली चीज, क्षणिक। इट वॉज जस्ट ए पासिंग थॉट, ये एक ऐसा विचार था जो क्षणिक था, मेरे दिमाग में आया और चला गया, क्षणिक जरा सी देर में। इट वॉज जस्ट ए पासिंग थॉट, जरा सी देर में ऐसा विचार, थॉट माने विचार, पासिंग माने क्षणिक। इट वॉज जस्ट ए पासिंग थॉट, ये ऐसा थॉट था, ऐसा विचार था जो जरा सी देर को दिमाग में आया और निकल गया दिमाग से। इट वॉज जस्ट, जस्ट माने केवल, इट वॉज जस्ट ए पासिंग थॉट, ये केवल गुजरने वाला विचार था, गुजर गया। अब देखें पासर बाय, पथिक, पथिक क्या चीज होती है? पथिक वो होता है जो पथ पर चले, राहगीर, पथ पर चलने वाला, पथिक, पथ माने रास्ता, पथिक। नन ऑफ द पासर बाय हेल्प्ड द बेगर, आजकल ये आप देख ही रहे हैं कि रास्ते में गुजरने वाले, यदि कोई जख्मी आदमी पड़ा है, किसी के चोट लगी हुई है, एक्सीडेंट हो गया है किसी का, लोग पास से गुजर जाते हैं, उसे देखते हुए गुजर जाते हैं, कोई चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। नन ऑफ द पासर बाई, किसी ने भी जो गुजर रहे थे, राहगीर थे, किसी ने भी, बाई हेल्ड द पुअर, नन ऑफ द पासर बाई, किसी भी राहगीर ने उस भिखारी की कोई मदद नहीं की। एग्जाम में पास होना, फेल होना, पास होने का अर्थ होता है उत्तीर्ण होना, पास होना, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना, पास होना। फेल होना, फेल का मतलब है अनुत्तीर्ण, यानी फेल हो जाना, असफल हो जाना। तो देखें पास के मैंने कितने अर्थ दिए हैं, सात अर्थ तो ये हैं, आठवां अर्थ ये है, नवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, मैंने 14 अर्थ दिए हैं पास के,
और भी होते हैं जो मैं बाद में बताऊंगा, इस समय नहीं बता रहा हूं। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।